निकाय चुनाव को लेकर गंगो की जनता क्या चाहती है, यही जानने आज हम गंगो पहुंचे हैं और कुछ लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जैल सिंह भारती। क्या लग रहा है गंगो का माहौल, क्या उन बनेगा आपकी बार चेयरमैन? इनके चेयरमैन जो है ना कविता सैनी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है। क्योंकि जो है ना 70 साल से इन्हीं का राज है और 70 साल में इन्हें कुछ नहीं किया सिर्फ भ्रष्टाचार से के अलावा। देखो जो है ना नगर में इतना बुरा हाल है, अभी बारिश, अब भी बारिश हो रही है तो पूरे नगर में पानी भरा हुआ इतना है, कितना है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे हर बार लड़ते हैं भाजपा वाले, हार जाते हैं हर बार। वही तो कह रहा मैं भी, जब तक ये धारा 370 हटने की नहीं रहता है, जब तक ऐसा ही हाल रहेगा, लोगों का डर नहीं निकलने का दिमाग में, जब तक ऐसा ही बुरा हाल रहेगा यहाँ पे। तो एक प्रत्याशी और भी था गठबंधन से, हाजी सलीम, वो भी तो है मैदान में, उनका नहीं चलेगा कि सिक्का कुछ? उनका भी चलेगा सिक्का, उनका चलेगा, दूसरे नंबर पे रहेंगे, तीसरे पे जाएंगे नौमान मसूद। हाँ जी, तो पहले पे भाजपा रहेगी? पहले पे भाजपा है। जी भाई जी, क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार प्रजापति। हमारी जो टक्कर है ना अब की बार हमारी जो टक्कर है हजी सलीम के साथ है, ना कि नौमान मसूद के साथ। नौमान मसूद ने तो गंगानगर पालिका में ये काम किया, जो वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं ना गंगानगर पालिका में, वो कर्मचारी उनके खेत में काम करते हैं और तनख्वाह नगर पालिका से लेते हैं। 70 साल में इन्होंने ये काम किया। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं ना बेचारे, क्योंकि उन्हें डराते हैं तुम्हें तनख्वाह से हटा दिया जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, उन पर अपने खेतों में काम कराते हैं लोग। 70 साल में इन्होंने ये काम किया। यहाँ तो बोर्ड लग रहे हैं 70 साल गंगो बेमिसाल, बाहर बोर्ड लग रहे हैं, लोग कहते हैं बेमिसाल है। देखो 70 साल बेमिसाल की तो बात है, एक हमारी प्रत्याशी है एनम नाम है उसका, और खुद नौमान मसूद के सामने वो चुनाव लड़ रही है, उसके घर में घुस के उसके सामने चुनाव लड़ रही है। ये हिम्मत की बात है, बाबा योगी की देन है ये। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या रहेगा आपकी बार समीकरण? समीकरण तो हम चुनाव जीत रहे हैं, समीकरण की तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। 36 ब्याज रहे हमारी साथ हैं, ये देखो कि 4 प्रत्याशी हमारे मोमडन लड़ रहे हैं। अब ये देख लो कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात हो रही है। जी, तो दूसरी तरफ साइकिल भी तो है, साइकिल से गठबंधन से है, उनका रहेगा कुछ नहीं? देखो साइकिल वाइकल का तो मामला टूट लिया, पेंचर वेंचर हो लिया, साइकिल का जमाना तो खत्म हो लिया। हाँ, और आती करेगा काम सर्कस में। अरे वो तो कह रहे पिछली बार तो गठबंधन नहीं था, इसलिए अब की बार तो गठबंधन है, सारी वोट एक जगह आएगी, 17 में गठबंधन नहीं था। मैंने आपको बताया भाई साहब, देखो साइकिल का जमाना तो जा लिया और हाथी का जो काम है ना वो सर्कस का काम है। और वो खुद पता अपने आपको क्या बताते हैं, वो बताते हैं बाजा बजाने वाले। अब हाथी उन्हें मिलेगा वो सर्कस का ही काम करेंगे, क्योंकि नगर पालिका में तो उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि नगर पालिका तो बीजेपी की झोली में जाने वाली, ये सब जनता साथ खड़ी है। देखो 36 भी आदि रहे हैं, कैमरा घुमाओ चारों तरफ, ये सब लोग बीजेपी के चाहने वाले हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। जी भाई जी, आप किसे चाह रहे हैं? आपका तो जी कविता सैनी को चाह रही है। अच्छा जी, आपकी बार जाए कविता सैनी यहाँ की चेयरमैन बनेगी, अच्छे प्रत्याशी है और अच्छा विकास का कार्य कराएगी, सबका साथ सबका विकास। तो जो अब तक जीत रहे थे उन्होंने काम ही नहीं करा कुछ, जनता साल में आप देख ही रहे हो 70 साल में विकास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो रोड पे कितना पानी भरा हुआ है, नालियों में कितनी गंदगी बची है। तो होता ही है, बरसात में तो पानी भरी जाता है। ये तो विकास कार्य चेयरमैन साहब को देखना चाहिए ना, लेवल देखो नालों का किक्कर बना हुआ है, सड़कें देखो कैसी बनी हुई है, तो अच्छा नहीं हो रहा है विकास। तो भाजपा तो हर जगह है, क्या भाजपा वाले भी कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे विधायक भी उनसे? वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं हमारे और योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत अच्छा विकास कार्य। विधायक भी भाजपा से ही हैं जी, बहुत अच्छा विकास कार्य करा रहे हैं। ताऊ जी, आपने तो सारी सरकारें देख ली होंगी, तो बता दो क्या चल रहा है अब की बार? भाजी अब तो देखो भाजपा का सोसा सा नहीं चलेगा ये। अच्छा, और वो चेयरमैन साहब कही रहे कि थारे तो मीठ की ठेले भी लगने की ना दुकान लगने की। अच्छा, और ये तो लड़ा कहीं मारेंगे तो बीजेपी वाले। अच्छा, मोमडन गुंचाते। अरे भाई देखो सड़कों का, पानी का, नालों का क्या हाल हो रहा। अच्छा, हाँ जी बदतर है स्थिति। तो कुछ करा ही नहीं गया ऐसा, इतने साल हो गए यहाँ कुछ हुआ ही नहीं गया? कुछ नहीं हुआ जी, कह रहे सड़कें नाले हम ही बनवा रहे सब कुछ। कुछ कह कर तो बताओ जी, पानी नहीं निकल रहा, निकासी नहीं है, निकासी तो नहीं है, जोड़ सब बेच का खाली है। अच्छा, तालाब सब बेच का खाली है ये। अच्छा, हाँ जी, जो 200-300 बीघे में थे गंगो में। और एक बात हो रहा है इनकी, गंगो नगर पालिका में एक ही परिवार अपना कब्जा रखता है, गंगो नगर पालिका में एक ही परिवार अपना कब्जा रखता है। हम तो बाबा योगी की वो सेना है जो उसे उखाड़ने का जज्बा रखते हैं, ये पूरी सेना खड़ी बाबा योगी की, बुलडोजर भी तैयार है और चलने के लिए तैयार है। तो अब की बार जिता के रहोगे क्या? चुनाव तो हम जीत चुके हैं, अब तो चुनाव की तो कोई बात, आपने देख लिया है 36 ब्याज साथ हैं। चुनाव तो देखो डर का माहौल उन्हें सता रहा है, चुनाव में उन्हें अपने भाई की मिन्नत करनी पड़ी, इमरान मसूद को भी चुनाव में बुलाना पड़ा, यहाँ पे भाई मेरा मान सम्मान बचा ले। लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी को भी आना पड़ा था सहारनपुर चुनाव में वोट मांगने के लिए। तो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, देखो उन्हें तो आना पड़ेगा,
वो तो सबके सेवक हैं, तो वो भी उनके भाई है, वो भी आगे वोट मैंने उनमें तो भाइयों में तो ऐसे चल रहा था ना, दोनों में पैरों में गिरा जाकर उसके भाई मेरी इज्जत बचा ले, गंगो में इज्जत लुट गई मेरी। अरे भाजपा वाले भी कह रहे योगी जी को आना पड़ा क्योंकि वोट नहीं दे रहे थे, लोग नाराज है बहुत भाजपा से। भाजपा से कोई नाराज नहीं है, महीने में एक मिनट, भाजपा में भाजपा से कोई नाराज नहीं, महीने में दो बार राशन मिला, फ्री में मिला, फ्री में बता आज तक। चलो ये तो ऊपर के लेवल की बात है, लोकल की बताइए कि क्या प्रमुख समस्या है अब यहाँ पे। समस्या की तो बात ऐसी है, देखो पत्रकार साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, 5 मिनट के लिए आप मेटाडोर अड्डे पे मुझे घूम के आ जाओ, अगर आपकी बाइक रास्ते में बंद ना होगी तो जो मर्जी मुझे कह देना आके, आपको उठाने के लिए दूसरा बाइक जाएगी, बाइक की जरूरत नहीं, आपको ट्रैक्टर ट्रेली भेजनी पड़ेगी जब आप उसमें बैठ के होगे। तो इसका क्या समाधान है, भाजपा वाले क्या करेंगे इसके लिए? देखो भाजपा वाले तो ये करेंगे, यहाँ से सहारनपुर जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आराम से आदमी चले जाता है। तो आपने बताई ये दिक्कत है आपको पानी वाली, तो भाजपा वाले क्या समाधान निकाल लेंगे इसका? हम इसमें ऐसा करेंगे, हम सिविल लाइन बिछवाएंगे, भाजपा वाले सिविल लाइन बिछवाएंगे, पाइप लाइन अंडरग्राउंड बिछवाएंगे, जैसे सहारनपुर में बिछवाई है। सहारनपुर में हमारा मेयर बना था, देखो हमने सहारनपुर में कितने काम कराए हैं, जब जनता हमें मौका देगी, और मौका क्या देगी, जनता ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया, पूरा आशीर्वाद 36 व्यादियों का हमारे साथ है। अच्छा अच्छा, कांग्रेस सरकार में होया करते थे ना, ये कहते थे बसपा को कि ये कोई दल नहीं है, ये लूटने का गिरोह है, देखो आज उसी बसपा का सहारा ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये दलित भाई हमारे में आ जाएंगे, लेकिन दलित भाई मेरे भाई इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि ये खुद एक गुंडों का गिरोह है। राजनीति में तो चलता है ऐसा, राजनीति परिस्थितियाँ हो जाती है कि पार्टी माना पड़ जाता है। देखो वो उनकी एक मानसिकता है ना, जब आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है ना, तो वो फिर ऐसी मानसिकता ऐसी छोटी छोटी बात निकाल के लाता है, जैसे बच्चों को समझाया है बेटे ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो। तो फाइनल भाजपा का बनेगा? हाँ जी जी जी, फाइनल। डूबने वाला इधर उधर भागता है बचने के लिए, वो उसे अगर एक दिखा जिनका दिखा ना वहाँ बहता हुआ उसी तरफ भागा वो। तो ये गंगो की जनता जिन्होंने अपने रखी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।